आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। लॉकडाउन के पांचवें चरण में अनलॉक वन का साफ असर लेडी लॉयल हॉस्पिटल पर भी देखने को मिल रहा है। अनलॉक वन के बाद से लेडी लॉयल हॉस्पिटल में ओपीडी के दौरान महिला मरीजों की संख्या बढ़ी है, जिसको लेकर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका आशा शर्मा ने अहम जानकारी दी है। राजनगरी के सभी सरकारी अस्पतालों में अनलॉक वन का असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें शहर के पुराने लेडी लॉयल अस्पताल की, तो वहां पर भी अन्य दिनों की तुलना में महिला मरीजों के पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी में भी अन्य दिनों की तुलना में संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर लेडी लॉयल अस्पताल में भी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ मरीजों कर्मचारियों को कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ओपीडी की संख्या बढ़ गई है। अब अंदर जो मरीज एडमिशन के लिए आ रहे थे उसमें तो विशेष वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन ओपीडी में सिग्निफिकेंट वृद्धि हुई है, जिसमें हम अपने बचाव और मरीजों के बचाव के लिए हमने मेन गेट पर गार्ड की तैनाती की है। वो कोई भी पेशेंट या उसका रिश्तेदार बिना सैनिटाइज करे अस्पताल के अंदर नहीं जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, मरीजों के ज़्यादा कारण स्पेस हमारे पास कम पड़ गई थी, तो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पेशेंट्स की गर्भवती की नहीं हो पा रही थी, तो हमने जो है हमारा पुराना ओपीडी है उसमें रजिस्ट्रेशन काउंटर बना दिया है। मरीज वहाँ बना के पर्चे जाकर तब अंदर आते हैं, ताकि मरीजों की सुरक्षा बनी रहे। और हम ये हमारे पास गाइडलाइन है कि कोई मरीज और कोई उसका रिश्तेदार बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही दो जोन बनाए गए हैं, ग्रीन और रेड जोन। ग्रीन जोन में उन मरीजों को रखा जा रहा है जिनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं रेड जोन में पॉजिटिव रिपोर्ट वाले मरीजों को रखा गया है, जिनकी देखरेख और इलाज की जिम्मेदारी एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को सौंपी गई है। वहीं पैरामेडिकल की शिकायत को दूर करते हुए सभी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधित सभी उपकरण जैसे पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे अस्पताल में दो टाइप के जोन बने हुए, ग्रीन जोन और रेड जोन। तो जो ग्रीन जोन होते हैं, जिसमें पेशेंट्स जो हॉटस्पॉट एरिया सरकार ने बनाए हैं, जो उसमें से नहीं आते वो ग्रीन जोन में है, और जो हॉटस्पॉट एरिया से आते हैं वो रेड जोन में है। उसके अलावा जिन पेशेंट में निमोनिया लाइक सिम्टम है, जमाती है, माइग्रेंट की हिस्ट्री है या संपर्क की हिस्ट्री है, वो रेड जोन में जाता है पेशेंट। तो रेड जोन का पेशेंट एसएन मेडिकल कॉलेज द्वारा देखा जा रहा है, चाहे उनकी डिलीवरी हो, चाहे उनकी ओपीडी हो, चाहे इनके ऑपरेशन हो। तो इसलिए हमारे यहाँ पेशेंट्स की मिक्सिंग हो नहीं रही है, ग्रीन जोन के हम देख रहे हैं। वहीं मरीज के तीमारदारों के लिए भी मास्क को कंपलसरी किया गया है। यदि कोई मरीज व तीमारदार बिना मास्क के इलाज के लिए आता है, तो उससे पहले मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। बता दें कि लेडी लॉयल अस्पताल में इस कोरोना संकट के दौरान अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक सीमित संसाधनों के बीच मरीजों का हर संभव इलाज कर रहे हैं। इस समय सुविधाएं बहुत बढ़िया चल रही है हमारे यहाँ। ओटी हमारे यहाँ दो कर दी गई हैं, एक ग्रीन जोन की कर दी है, एक रेड जोन की कर दी है। हमारे यहाँ सब केवल साफ सुथरे मरीज हो रहे हैं और कोई किसी बात की परेशानी हो रही है, मरीजों को सब सुविधा मिल रही है। गर्भवती महिलाओं की संख्या आजकल 15-10 तो डेली सीजर से हो रहे हैं, बाकी 20-25 नॉर्मल हो जाती हैं। किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? सावधानी, सबों को सैनिटाइज किया जा रहा है, बार सबों को ग्लव्स दिए जा रहे हैं, मतलब इस समय पूरी सुविधा दी जा रही है अपने बचाव के लिए। साथ ही कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से खुद को बचाते हुए मरीजों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।